प्यारे विद्यार्थियों ते अध्यापक साथियों, इस वीडियो नू वध तो वध लाइक अते शेयर करो और ज्योमैट्रिकल ड्रैंग वीडियो लई मेरे चैनल नू सबसक्राइब करके बैल आइकन दबाओ। ज्योमैट्रिकल ड्रैंग सातवीं श्रेणी दा प्रश्न नंबर 25। एक समदोभुज त्रिकोण बनाओ जिस दी उचाई एच अते तिन्ने भुजावां दा जोड़ डी दिता होया है। उचाई एच दे बराबर लो अते तिन्ने भुजावां दा जोड़ डी रेखाखंड दे बराबर लो। ई एफ रेखा ई एफ रेखा तिन्ने भुजावां दे जोड़ डी दे बराबर लो। ई एफ रेखा नूं दो बराबर भागां विच वंडो। एफ नूं केंद्र मन के अध तो वध प्रकार खोल के चाप लाओ। ई नूं केंद्र मन के प्रकार पहला जिन्नी खुली रखनी है दूजी चाप लाओ। दोनों चापां आपस विच दो बिंदुआं ते कट्टणगियां। दोनों बिंदुआं नूं दाणेदार रेखाखंड की सहायता नाल मिलाओ। बिंदु का नाम रखो जे। एच दी पमैश करो। एच दी पमैश करो अध वाली रेखा ते उपर कट्टो। एच दी पमैश करो जे तो अध वाली रेखा ते कट्टो। बिंदु का नाम रखो ए। ए नूं एफ नाल मिलाओ। दाणेदार रेखाखंड नाल ए नूं ई नाल मिलाओ। दाणेदार रेखाखंड नाल प्रकार की सहायता नाल ए एफ रेखाखंड का अध करो। ए एफ रेखाखंड का प्रकार की सहायता नाल अध करो। एफ नूं केंद्र मान के सुविधा अनुसार प्रकार खोल के चाप लाओ। ए नूं केंद्र मन के दूजी चाप लाओ। प्रकार पहला जिन्नी खुली रखनी है। दोनों चापां आपस विच दो बिंदुआं ते कट्टणगियां। दोनों बिंदुआं नूं दाणेदार रेखाखंड की सहायता नाल मिलाओ। अध वालिया रेखाखंड ई एफ रेखा नूं सी बिंदु ते
कटेगा। बिंदू का नाम सी रखो। इस तरह ही ई ए रेखा खंड का अर्थ करो। ई नू केंद्र मनो। सुविधा अनुसार प्रकार खोल के चाप लाओ। ई नू केंद्र मनो। प्रकार पहला जिन्नी खुली रखनी है चाप लाओ। दोनों चापा आपस विच दो स्थाना ते कटनगियां। दोनों बिंदुआ नू दानेदार रेखा खंड की सहायता नाल मिलाओ। अद वाला रेखा खंड ई एफ रेखा नू बी बिंदु ते कटेगा। बिंदु का नाम रखो बी। हुण ए नू सी नाल ए नू बी नाल मिलाओ। ए बी सी सम दोपूजी लोड़ी दी तिकोण है। एक बारी दुबारे वेखदे हाँ। दित्ती हुई ऊंचाई एच लो। तिन्ने भुजावां का जोड़ डी रेखा खंड के बराबर लो। डी रेखा खंड के बराबर ई एफ रेखा खंड लो। ई एफ रेखा नू दो समान भागां विच वंडो। बिंदू जे आवेगा। जे बिंदू तो ए जे बराबर एच कटो। ए नू ई नाल मिलाओ। ए नू एफ नाल मिलाओ। ए एफ रेखा खंड का अद करो जो ई एफ रेखा नू सी बिंदु ते कटदा है। इस तरह ही ए ई रेखा खंड का अद करो जो ई एफ रेखा खंड नू बी बिंदु ते कटदा है। ए नू बी नाल अते ए नू सी नाल मिलाओ। इस तरह असी त्रिभुज समदोपुज त्रिभुज प्राप्त कर सकते हाँ जिस दा तिन्ने भुजावां दा जोड़ अते उचाई दित्ती होवे। इस कोण दे विच एक गल दा ध्यान रखना जरूरी है। त्रिकोण दी उचाई घट लैनी है। त्रिकोण दी उचाई घट लैनी है। तिन्ने भुजावां दा जोड़ वध लैना है। जेकर तुसीं उचाई वध लओगे ता अद वाली रेखा ई एफ रेखा नू अद तो पहला नहीं कटेगी। इसलिए ए जे जिहड़ी उचाई है त्रिकोण दी भाव एच एक घट तो घट लेनी है।